पंकज जी आपसे एक सवाल है, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर हमला हुआ है और उनको काले झंडे दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला वही कर रहे हैं जिनकी जली पड़ी है, वो तमाम सारे अंधभक्त जो स्वामी प्रसाद मौर्य से जलते हैं। अब आखिर जलते क्यों हैं? चाहे इससे पहले रहा हो या आज जो यहाँ पे हुआ है, कौशाम्बी में हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाए गए हैं, इनकी बौखलाहट है क्योंकि कर कुछ नहीं पा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक साफ छवि का नेता है, पिछड़ों और दलितों की आवाज लगातार उठाता रहता है, और तमाम सारे पत्रकार मीडिया वाले जिस तरीके से मैंने देखा कल कौशाम्बी में जहां पर पुलिस वाले मौजूद थे, उनकी गाड़ियां मौजूद थी, उसके बावजूद उनके एक संरक्षण में जिस तरीके से बात की, मैंने भी वीडियो देखे हैं, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र तरीके से मतलब एक झुकाने की कोशिश की जा रही है, एक मतलब ये दिखाने की हीन भावना जो इनके अंदर नहीं होती है कि, लेकिन ये जानते हैं उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे पूरा दलित समाज, पूरा पिछड़ा समाज, पूरा अल्पसंख्यक समाज लगा हुआ है और लगातार उनका समर्थक बन रहा है। और लेकिन ये तमाम सारे जो कौशाम्बी में कल हुआ है बहुत ही शर्मनाक है, जिस तरीके से पहले से वहां पर लोग मौजूद थे पूरी तरीके से पुलिस वालों के सामने। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वहां पुलिस वाला बैठा हुआ था, पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था एक नेता का, नेता क्या वो चिंदी चोर नेता नहीं होते जो अपने नेता को खुश करने के लिए दूसरे को गाली देते हैं, वैसे टाइप वाले बैठे हुए थे और बयान दे रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता से मारूंगा, माला चढ़ाऊंगा, अरे तुम्हारी वजह से ही ना आज हिंदू हिंदू बढ़ गया, तुम्हारी वजह से ही ना आज पिछड़े दलित नफरत करने लगे हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा नेता तो है नहीं कि मतलब वो गली गली का आज घूमता हुआ कोई नेता है, अरे उसके पास वो प्रतिनिधित्व करता है एक पिछड़े समाज का, उनके हक अधिकारों की बात करता है, इस वजह से बौखलाए हुए हैं। लोग उनको कहते हैं कि बहुत जो उनके विरोधी उनको कहते हैं हिंदू विरोधी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी ना हिंदू, देखो हिंदू विरोधी कुछ नहीं होता। आपने महात्मा महामानव गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा, महामानव गौतम बुद्ध जब अपने समय में थे तो कौन उनका विरोध करता था? कभी आपने सोचा इस चीज़ों को, कौन विरोध करता था उसका? वही लोग करते थे ना, अंबेडकर साहब थे आज़ादी के समय, उनका विरोध कौन करता था? वही लोग करते थे, पेरियार थे, उनका कौन विरोध करता था? वही लोग करते थे। अभी क्या नाम है, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है, क्यों दिया गया? एक समय था जब उनको यही कहा जाता था ना, ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माई भी आई, आज उन्हीं को भारत रत्न दिया जा रहा है, लेकिन अपने समय में उनका हमेशा उन्हीं लोगों ने विरोध किया क्योंकि उन्होंने अपने समाज के लिए अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, और आज उनका विरोध हो रहा है इस कारण, और कुछ नहीं है इसमें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ऐसी कौन सी नस दबा दी है जो कि एकदम बौखलाए उठे हुए हैं इनके विरोधी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? नस नहीं दबाई है, इनकी दुकान बंद करिए, क्योंकि दुकान चलाते हैं ना वो, दुकान बंद करिए, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तब जाके सक्षम बनेंगे, तब लोगों से अधिकार मांगेंगे और अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। जो लोग आज हाथ में कमंडल दे रहे हैं ना, उनके हाथ में यही वीपी मंडल जी ने जब आरक्षण दिया था तो कितना विरोध हुआ था उसका, क्योंकि एक है जो कमंडल पकड़ाना चाहता है और ये दूसरी चीज़ें मंडल वर्सेस कमंडल की जो राजनीति आज उत्तर प्रदेश में हो रही है, पूरे देश में हो रही है, कहीं ना कहीं ये छटपटाहट है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हो, चाहे जितने भी मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन को जेल में भेजा, या बिहार में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, या अरविंद केजरीवाल को भेजने के चक्कर में है, तो कहीं ना कहीं आज बौखलाहट है। मैं खुद देख रहा हूं, जिस तरीके से कल स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला हुआ है, कहीं ना कहीं ये इनकी बौखलाहट है, और ये तमाम सारे जो चाटुकार जो नेता टाइप के चिलांडू नेता होते वही अपने आका को खुश करने के लिए कि भैया हमने आज स्वामी प्रसाद मौर्य को काला झंडा दिखा दिया, हमने तो उनका ये कर दिया, हमने उनके सामने चिल्ला दिया। मीडिया में देखा आपने किस तरीके से खबर चल रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ियों पर हुआ हमला, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर ये कर दिया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य को ऊपर ये कर दिया गया, पिछड़ों को लेकर साथ में काम शिफ्ट करते हैं, उनका पीछा काफी ज्यादा कर दिया, तभी क्यों परेशान है? तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जी के पीछे क्यों बड़े हैं? बहुत काम किया है। अभी हम इको गार्डन में थे, अभी हम लखनऊ में घूम रहे हैं, हमको मिला इको गार्डन में, हमने देखा किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती 600 दिनों से, 6800 जो शिक्षक हैं धरना दे रहे हैं, बारिश किस तरीके से ठंडी में, ये क्या हिंदू नहीं है, ये क्या वो लोग नहीं है, ये पिछड़े दलित नहीं है? तमाम सारे नेता जो उनकी पार्टी में विधायक मंत्री बने हुए हैं वो टंगे हुए हैं, उनका पोस्टर लगाए हुए हैं, हमने दिखाया भी है, क्या ये पिछड़े नहीं आते हैं? इनका ख्याल कौन रखेगा? अरे ये अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अगर होता ना तो जिस तरीके से रिजर्वेशन अदर को दिया गया है, अभी उन लोगों ने बताया कि अदर को किस तरीके से उनका एंट्री कराया गया, एक ही दिन में मिठाइयाँ उनको खिला दी गई, और ये लोग 600 दिनों से यहाँ धरना दे रहे हैं, दलित पिछड़े समाज से हैं, पिछड़ों का हक मारा गया है, 6800 कम नहीं होता है, उनकी सीटों पर दूसरों की भर्ती करी गई है, तो कहाँ से न्याय हो रहा है भैया? जिस तरीके से देश में चल रहा है आप न्याय की बात कर रहे हो? अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति आरंभ कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद यादव को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि वो बोल रहे हैं, वो तुम्हारे हक अधिकारों के लिए बोल रहे हैं, इसलिए आज इनको चुनना कट रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी मुझे ये नहीं कहना है 2024 चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री 2014 में कहते थे कि हम पिछड़ों की वजह से आए हैं, 2019 में उन्होंने यही चीज कहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक रहता है, चुनाव के बाद ये सारे जुमले भूल जाते हैं कि वोट हमने किसी से ले लिया, काम किसी के लिए कर रहे हैं, बस यही राजनीति चल रही है। इसको लेकर मेरा सिर्फ यही कहना था कि आज जो बौखलाहट है स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे, पूरी मीडिया खिलाफ में है, पूरे जो तमाम सारे चिलांडू नेता जो छोटभैया नेता नहीं उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनका कहने का मतलब इसलिए वो बौखलाहट में, बाकी और कुछ नहीं। आप अपने पर्सनल राय क्या देना चाहते हैं, मतलब कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि देखिए आपने हक अधिकारों के बारे में जानिए। हाँ, आज तुम्हें किस चीज़ में, बाबा साहब ने क्या कहा था, आप पढ़ोगे लिखोगे बढ़ोगे आगे,
किसी के पीछे घूमने या दुनियादारी करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अपने अधिकारों को जानोगे, अपनी चीज़ों को जानोगे, उसके बाद ही तुम्हें चीज़ें मिल पाएंगी। कबीर साहब थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से प्रियार थे, ललित सिंह यादव थे, इन लोगों ने काहे की राजनीति करी, इन लोगों ने यही राजनीति करी ना, अपने समाज को जगाने का काम किया, इतना ढोने का काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य आज वही कर रहे हैं, इसलिए इनकी बौखलाहट है कि एक नेता इतना निडर होकर तमाम सारे नेताओं के घर में ईडी सीबीआई दुनियादारी चल रही है। काहे लिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं डरता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक अपने खुद में कॉन्फिडेंस है ना कि हमने गलत नहीं किया है, तो हम तुमसे डरेंगे नहीं, अपने समाज को जगा कर रहेंगे, इसलिए कर रहा है और कुछ नहीं।